नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पूरी दुबई के बारे में। जी हाँ, कल भी वीडियो एक बनाया था दुबई के बारे में। आज की जो न्यूज़ आई है यूएई से रिलेटेड है। यूएई का मतलब होता है भाई दुबई, जो यूएई में 7 स्टेट है जिसमें दुबई हो गया, शारजा, रास अल खैमा या फिर अबू धाबी या फिर अल क्वीन स्टेट। आप लोग दुबई में रहते होंगे तो आपको पता होगा भाई सबसे बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, दुबई में लोग छुट्टी आए थे या फिर जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, इससे रिलेटेड हम पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। पूरी दुबई की, पूरी यूएई की बात करेंगे भाई। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। क्या क्या पूरा प्रोसेस होगा हम डिटेल से बात करेंगे। फ्लाइट के बारे में बात करेंगे भाई। जो दुबई की जो इमरेट्स एयरलाइन है उन्होंने भाई ऑफर दे रखा है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सपो 2020 में पास भी आप ले सकते हैं। डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं भाई दुबई को छोड़ के, दुबई में तो हालांकि नियम पहले से लागू था इसलिए दुबई की ये न्यूज़ नहीं है। दुबई के अलावा जो भी 6 स्टेट बसते हैं, आप जो लोग रहते हैं, जो लोग छुट्टी आए थे, जी हाँ, और जो लोग छुट्टी आए थे जिनके वीज़ा वैलिड हैं, उनके साथ में जो लोग छुट्टी आए थे जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, यानी 180 दिन से ज़्यादा आप इंडिया में रह चुके हैं, पाकिस्तान में रह चुके हैं, 16 देशों के लिए ये न्यूज़ है। जी हाँ, जैसे आपको 6 महीने से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में आए हुए हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि हम नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ी अपडेट है कि भाई आप लोग कल की डेट यानी 12 सितंबर से यूएई जा सकते हैं। आप चाहे शारजा, रास अल खैमा, अबू धाबी, कहीं भी कौन सी स्टेट में भी आप हैं तो आप जा सकते हैं। चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो या फिर आपका वीज़ा वैलिड हो, सभी लोग जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए होगी भाई। हालांकि दुबई के लिए तो पहले से ये स्टार्ट था, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। 12 सितंबर से आप लोग जा सकते हैं। अगर बात करें 16 देशों में, जी हाँ, तो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, युगांडा, वियतनाम, नामीबिया, जनिम्बिया, कांगो, सियेरा लियोना, इबीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये जो 16 देश हैं, यहाँ के जितने लोगों जो छुट्टी आए थे और जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, वो लोग 12 सितंबर से जा सकते हैं दुबई। जी हाँ, यूएई जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई दुबई को छोड़ के रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, क्वारंटाइन वाला सिस्टम भी था, तो वो भी हटा दिया गया है। तो अबू धाबी में अभी क्वारंटाइन का कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रहेंगी आपकी, वो आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले 48 आवर्स का भाई आरटीपीसीआर टेस्ट आपके होना चाहिए, क्यूआर कोड वाला। जी हाँ, उसके साथ में आपको बता दूं दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, WHO से मान्यता प्राप्त। जैसे इंडिया की बात करें तो भाई कोविशील्ड को मान्यता है, उनका आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, QR कोड वाला जो है वो होना चाहिए, आपका लीगल आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं वो ICA, एक रजिस्ट्रेशन आपको उसके ऊपर करवाना पड़ेगा, जो ICA की वेबसाइट है दुबई UAE सरकार की, उसके ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट करवाने पड़ेंगे। रैपिड टेस्ट वगैरह आपको एयरपोर्ट पे होता ही, आपको सबको पता है। जी हाँ, हालांकि इसका आपको एयरपोर्ट पे एक टेस्ट भी होगा, वो भी आपको करवाना पड़ेगा अगर आप अलग अलग स्टेट में आप जब पहुंचेंगे। जी हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट लेके जैसे आप दुबई पहुंच जाते हैं, यूएई जो भी आपका स्टेट है वहां पे आप यूएई में पहुंच जाते हैं, उसके बाद में देखिए आपका जिनके वीज़ा वैलिड है उनका तो कोई चक्कर नहीं है, जिनके वीज़ा वैलिड नहीं है उनको स्पेशल एक एंट्री पास लेना पड़ेगा भाई। जी हाँ, एक एंट्री पास आपको अलग से लेना पड़ेगा, वो आप अपनी कंपनियों से कॉन्टेक्ट करिए, एंट्री पास से आप दुबई एंट्री यूएई में एंट्री हो जाओगे, उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है वीज़ा से रिलेटेड जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं वो उसको दोबारा रिन्यू करवाते हैं, आप दोबारा वीज़ा लगवाते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन लीगल तरीके से आपको दुबई में जाने के बाद महीने भर का टाइम मिलता है, उसमें आपको प्रोसेस चेंज करवाना पड़ेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी भाई सबसे बड़ी अपडेट ये मानता हूँ कि आप लोग पूरी यूएई में 7 स्टेट हैं, सभी लोगों के जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए, जिनके वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए, सभी लोग जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, हालांकि इनमें 16 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको छूट दी गई है, ये अच्छी बात है, बाकी उनसे ऊपर वाले हैं सबके ऊपर प्रोसेस ये स्टार्ट होगा। जी हाँ, अगर बात करें तो साथियों बता दूं आपको पता है दुबई में जो एक्सपो 2020 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, सबको पता है। दुबई की जो इमरेट्स एयरलाइन है उन्होंने ऑफर दे रखा है कि भाई आप 28 सितंबर से लेके 31 मार्च 2022 तक, जी हाँ काफ़ी समय पड़ा है, उस दौरान आप अगर इमरेट्स एयरलाइन की द्वारा फ्लाइट बुक करते हैं या उनके द्वारा जाते हैं, जी हाँ, तो आपको जो रेट है उसमें 20% आपसे कम पैसा लगेगा। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है भाई, अगर आपको दुबई यूएई जाना है तो आप इमरेट्स एयरलाइन के द्वारा जाते हैं तो 20% आपका पैसा कम लगेगा।
20% का आप समझ सकते हैं कि भाई 10,000 की टिकट का 8,000 लग रहा है, 20,000 की टिकट के 4,000 रुपये सीधे सीधे कम हो रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है अगर आप इससे टिकट बुक करवाते हो तो। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम 2020 एक्सपो का है वन डे का फ्री पास देंगे आपको। जी हाँ, आपको पता है वन डे का 95 दिरहम है भाई फीस, आप सबको पता होगा। अगर एक्सपो आप देखने के लिए जाते हैं तो उसका फीस पता है कितना है, 95 पर डे दराम उसकी फीस है। हालांकि महीने की लेते हो तो 200 दराम में 195 दराम में आपको मिल सकता है, तो ये पास आपको फ्री मिलेगा इमरेट्स एयरलाइन दुबई फ्लाइट की तरफ से, और आपको 20% टिकट में डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप अगर चाहो तो ये आप ले सकते हैं। जी हाँ, तो भाई इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है, यूएई जाने वालों के लिए पूरे ताले खुल चुके हैं, चाबी आपके पास में है भैया, चाबी अपने ताले चाबी लगाओ और ताले सब ओपन है। तो दुबई जाने वालों के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। जी हाँ, आईसी अप्रूवल आपको उस पर डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे और आप जा सकते हैं, कोई आपके पास कोई तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। जी हाँ, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, विजिट वीज़ा वाले भी भाई आप लोग जा रहे हैं, वर्क परमिट वीज़ा की बात है तो भाई उनके अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि भाई वर्क परमिट वीज़ा कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी देखिए, दुबई के बारे में हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो काम ऐसा कर लेते हैं कि जो हम सोच नहीं सकते वो, और उनके अपडेट रोज़ नहीं आते रहते। हो सकता है एक घंटे बाद अपडेट ऐसा आ जाए दुबई ने नए वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट कर दिए। जी हाँ, हालांकि देखिए, जो दुबई में कंपनी खोल के बैठे हैं बेचारे, दो चार तो मेरे लोग जानकार हैं जिन्होंने कंपनी खोले, आज एक साल हो गया, पूरा खर्चा उनका लग रहा है ऑफिस का, लाइसेंस का, लेकिन उनके पास वर्कर नहीं है। क्योंकि आपको पता है, विजिट वीज़ा से अगर कोई कंपनी दुबई में किसी को बुलाती है और वहाँ वीज़ा लगाती है तो 2,200 दराम एक्स्ट्रा उनका खर्चा आता है। आप समझ सकते हैं सीधा सीधा 40-45 हज़ार रुपये एक कंपनी को एक वर्कर पे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अगर 10 वर्कर बुला लिए तो भाई उनके तो फिर दिक्कत होती है ना, 5-6 लाख रुपये यूँ चले जाते हैं। तो वो ये लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी से वर्क परमिट स्टार्ट हो जाए तो हम इंडिया से अलग अलग देशों से हमारे लोगों को बुला सकें, और बेस्ट भी भाई वही है, विजिट की बजाय वर्क परमिट इंडिया से लेके जाते हो तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद हम करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी वर्क परमिट वीज़ा और सरकार स्टार्ट कर दे, ताकि जो लोग बेचारे कंपनी खोल के बैठे हैं वो माइनस होते जा रहे हैं, उनको नुकसान होता जा रहा है, उनको बेनिफिट मिल सके। जी हाँ, और विजिट वीज़ा भाई जिनके एक्सपायर हो गए तो मुझे तो लगता नहीं है कि वी सरकार उनको रिन्यू करेगी। हालांकि वर्क परमिट वाला एक अलग ऑप्शन होता है, वो करना पड़ता है, सभी देश कर रहे हैं, विजिट वीज़ा वाला दुबई मुझे नहीं लगता कि करेगी। जी हाँ, हालांकि दुबई को सोचना चाहिए कि भाई दुबई लगातार पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से विजिट वीज़ा दे रही है, फ्लाइटें बंद करके रखी है, इसका मतलब गलती वी सरकार की है। तो क्योंकि फ्लाइटें तो उन्होंने बैन की थी लोगों को आने के लिए, वीज़ा दे रही थी, तो सीधी सीधी बात है गलती तो है ना। तो वी सरकार को सोचना चाहिए, उनको या तो ऑप्शन दे कि भाई इस वीज़ा को रिन्यू कराओ, या ऑप्शन दे कि भाई विजिट वीज़ा आप लेके आ जाओ, उसी पे हम आपको एंट्री दे देंगे, कुछ ऐसा करना चाहिए। बाकी उम्मीद क्या करें भाई, देखते हैं, कोई नया अपडेट अगर आता है तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।